इमरान खान की तमाम नौ मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई दरखास्त पर हिफाजती जमानत मंजूर की। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने समाअत की। इमरान खान के खिलाफ दर्ज चार मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज पांच मुकदमात में हिफाजती जमानत 24 मार्च तक मंजूर। इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर में दर्ज मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट मंगल तक तलब। अदालत आलिया ने पुलिस को भी इमरान खान के खिलाफ मंगल तक किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई हाईकोर्ट के हुक्म पर अदालत पेश हुए। सारी जिंदगी कभी कानून नहीं तोड़ा, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, चेयरमैन पीटीआई। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट में बयान, कहा मेरे ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है, इतने ज्यादा केसेस हैं, समझ नहीं आती एक में जमानत लें दूसरे में पर्चा आ जाता है। मेरी इस्तेदा है कि कचहरी वाला केस कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, अगर आप सिस्टम के साथ चलें तो ठीक रहता है, हमारे पास जिन केसेस में जमानत दायर हुई है उनमें ही जमानत दे सकते हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की कल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा यह जान लें अंडरटेकिंग अदालत के सामने बयान के मुतरादिफ है, अगर खिलाफ वर्जी हुई तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इमरान खान यकीनी बनाएं कि उनकी अदालत पेशी पर अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान को अदालती औकातकार में अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। बिगड़ा हुआ बच्चा रियासत पर पूरी ताकत से हमलावर है। इमरान खान ने रियासती रिट को चैलेंज कर रखा है। मरियम नवाज की इमरान खान पर फिर खुलकर तनकीद। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चाहती हूं अभी इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए, अदालतों में मजीद पेशियां भुगते हैं। हुकूमत नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो। किसी को भी गिरफ्तार करना हुकूमत के लिए पांच मिनट की बात है। बेसाखियां जाने के बाद ये शख्स खुलकर सामने आ रहा है। जमान पाक में वही कुछ हो रहा है जो कच्चे के इलाके में हो रहा है। पंजाब पुलिस पर हमला किया गया, ये रियासत के खिलाफ बगावत है। पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तहरीक इंसाफ वारंट्स की तकमील, सर्च वारंट्स के लिए पुलिस से तआवुन करेगी। पुलिस की जानिब से एसएसपी इमरान किश्वर, तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फराज और इमरान खान फोकल पर्सन मुकर्रर। मुआहिदा लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश कर दिया गया। अदालत ने कहा कि दर्ज एफआईआर में किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उधर इमरान खान के चीफ ऑफ सिक्योरिटी शिबली फराज की आईजी इस्लामाबाद से मुलाकात। इमरान खान की मुमकिन पेशी पर सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात तय की। हुकूमत की तरजीह इमरान खान को गिरफ्तार करना नहीं, अदालत पेश होने के लिए मजबूर करना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने वाज़ेह कर दिया, कहा इमरान खान को जलसा करने में तो कोई खतरा महसूस नहीं होता। 18 मार्च को पेश नहीं होंगे तो हिकमत अमली तब्दील करेंगे। वफाकी वजीर साद रफीक ने पीटीआई को पाकिस्तान की आरएसएस करार दे दिया। कहा इमरान खान को इंतशार फैलाने के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है, कारकुनों के बगैर अदालत जाने का हौसला नहीं। वजीर तलाद मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। वजीर आजम से, वजीर कानून से मैं कहता हूं, आप बयान दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपना जो भी आपने वेन्यू देना है, दावत देनी है, असद उमर साहब यहां पे खड़े हैं, आप बात करें और हम तैयार हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुजाकरात के लिए तैयार। पीटीआई मुजाकरात पर जोर देने लगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत मुजाकरात की हामी तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। असद उमर ने कहा कि मामलात हल करने के लिए मुजाकरात बहुत जरूरी हैं, शहबाज शरीफ के साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं। सूबाई हुकूमतों की मुश्किलात का इदराक, पुरम और बरवक्त इलेक्शन का इनेकाद आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से इजलास का एलानिया जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से पंजाब और केपी इंतखाबात से मुतल्लिक मुशावरत कर ली, इलेक्शन से मुतल्लिक जल्द फैसला करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 19 अरब रुपये के मालियाती खसारे और 56,000 नफरी की कमी का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी। इलेक्शन कमीशन को स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करने की तजवीज।
इमरान खान ने हमेशा कानून और अदलिया का एहतराम किया। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात नून लीग ने जाती अना की बुनियाद पर कायम किए। चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई रहनुमा असद केसर और सेनेटर जिशान खानजादा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर इमरान खान और अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। IMF को भी नाअहल हुक्मरानों पर एतमाद नहीं। तमाम मसाइल का वाहिद हल साफो शफाफ इलेक्शन। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए मन करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। इक्तसादी राबता कमेटी के 14 और 15 मार्च के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तश्कील नौ की भी मंजूरी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक और बैन अलावामी इदारों के साथ मुफाहमती याददाश्तों, SME बैंक के वाइंडिंग डाउन की मंजूरी। वजीर आजम का काउंटिंग डाउन के दौरान सारफीन के डिपॉजिट्स की वापसी का खास ख्याल रखने की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का टिकट किसको मिलेगा? नवाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए गए। पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड में 32, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 30 अरकान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। राजा जफरुल हक, शाहिद खाकान, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ भी बोर्ड्स में शामिल। पार्लिमानी बोर्ड्स उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला करेंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने टिकट्स के लिए 9 मार्च को दरखास्तें जमा कराने की हिदायत की थी। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का महाज। 297 जनरल नशिस्तों पर 8,422 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर से 30 सूबाई हलकों के लिए 1,175 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जांच पड़ताल का अमल 22 मार्च तक मुकम्मल होगा। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी की जाएगी। 30 अप्रैल को पोलिंग शेड्यूल। 1 हफ्ते में 28 अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद 0.96% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 45.64% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 11 अशिया की कीमतों में कमी, 12 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। टमाटर, चाय, आलू के लिए चीनी और आटा महंगा हुआ। पाकिस्तान और IMF के माबैन माहिदे में ताखीर। हुकूमती मौशी टीम ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया। मौशी टीम दोस्त ममालिक से मालियाती कर्ज लेने के लिए मुतहरिक हो गई। चीन से 2 अरब डॉलर रूल ओवर, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर के लिए कोशिशें, UAE से भी 1 अरब डॉलर हासिल करने के लिए अहम मीटिंग्स। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक चीन से चंद रोज में 80 करोड़ डॉलर मजीद मिलेंगे। उधर चीन में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद खान की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। चीन का मुश्किल मौशी सूरत हाल में पाकिस्तान से भरपूर ताबुन का इंदिया। आटमी प्रोग्राम पर कयास आरायों पर कोई तबसरा नहीं। पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। मुमताज़ जहरा बलूच ने कहा कि आटमी प्रोग्राम का मामला किसी हुकूमत या किसी मालियाती इदारे के साथ एजेंडे पर नहीं। चीनी कर्जों के मामले को सयाकु सबाक से हटकर पेश किया गया। दफ्तर खारिजा का भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम पर भी इजहार तशवीश। घने बादल, ठंडी हवाएं और रिमझिम, मार्च में जनवरी का एहसास। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जारी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहीं बादल खुलकर बरसे, कहीं सिर्फ रिमझिम। कराची में भी बरसते बादलों ने रंग जमा दिया। यालाबारी भी हुई। इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में भी भीगा मौसम। सयाहों की खुशी बेकाबू। महकमा मौसमियाती गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा।